Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Origin Expert. हम कर रहे हैं parts of speech और हम parts of speech में pronoun पे हैं. Pronouns की कुछ types हमने कल की थी, उसकी कुछ types रह गई थी, वो हम आज कर लेते हैं. So relative pronouns हम आज पढ़ रहे हैं. Relative pronoun की definition क्या है? Relative pronoun describes noun which is mentioned before and more information is to be given about it, such as who, whom, which, that. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि जो सेंटेंस में मेंशन हो और उसके बाद उसकी मजीद इंफॉर्मेशन बताई गई हो, जैसे कि हु, होम, ये सब क्या है रिलेटिव प्रोनाउन. एग्जांपल क्या है? शी इज द वुमेन, यहाँ तक सेंटेंस है शी इज द वुमेन. होम आई मेट इन हॉस्पिटल, अभी होम क्या है ये रिलेट कर रहा है आगे के सेंटेंस को, ठीक है. होम आई मेट इन द हॉस्पिटल, जिससे मैं हॉस्पिटल में मिला, तो ये होम क्या है रिलेटिव प्रोनाउन. द मूवी, ठीक है, द मूवी दैट I watched yesterday. The movie, कौन सी movie? That I watched yesterday, जो मैंने कल देखी, ठीक है. So ये जितने भी words हैं, whom, whom, which, that, इस तरह के, ये सब क्या आ जाते हैं relative pronouns में. Next है indefinite pronoun. इसकी definition क्या है? Pronoun that do not mention to any specific person or thing, such as some or many, etc. ठीक है, indefinite pronoun क्या है? जो किसी एक बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी group of person या group of things के बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेवरल पीपल केम टू स्टेडियम, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टेडियम में आए. एक बंदे की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा लोगों की, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है. नो वन विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, ठीक है. सम हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स नाउन व्हेन सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जिसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हो रही हो, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है. लुक एट माई सेल्फ इन मिरर, ठीक है. यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. जिसमें सब्जेक्ट के ही बारे में बात हो रही हो वो किसमें आ जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. क्या है? प्रोनाउन रेफर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर, सच एज ईच अदर, वन अनदर, एटसेट्रा, इस तरह के बाकी भी. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? वी गिव ईच अदर गिफ्ट, द एंटायर क्लास कंग्रेचुलेट वन अनदर, ठीक है. जिसमें बाकी सब लोगों से रिलेशनशिप बताया गया हो वो क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आ जाता है. लास्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है कि ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है और ग्रुप में जितने भी पीपल हैं उन सब के बारे में बात हो रही है. ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग, ठीक है. बोथ ऑफ देम आर इन द हाउस, कि वो सब के सब घर में थे. सो ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन. उसकी हमने सब टाइप कर चुके हैं. कल मैं आपको एडजेक्टिव करवाऊंगी. सो आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.